अस्सलाम वालेकुम। बस और शाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत है सब? ठीक ठाक सब खैरियत। चलिए स्टार्ट लेते हैं। ठीक है देखिए, ओके यस्टरडे यस्टरडे वी वर डिस्कसिंग दिस इन्वेंट्रीज चैप्टर। ठीक है, तो इन्वेंट्री चैप्टर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, लेकिन उसको थोड़ा सा रिवाइज भी आज कर लेंगे दोबारा। तो इन्वेंट्रीज में अपने आपको बताया था कि इन्वेंट्री की डेफिनेशन, वो तो आपने देख लिया। मेन चीज है कि दो मेथड है, परपेचुअल एंड पीरियोडिक। क्वेश्चन में ये आपको गिवन होगा कि विच मेथड यू विल अप्लाई, परपेचुअल या पीरियोडिक। और परपेचुअल का मतलब है कि इन परपेचुअल सिस्टम देखो, कंपनीज की डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री आइटम परचेज एंड सेल, राइट। डिटेल रिकॉर्ड ईज, देखो सेंटेंस देखो, इन ए परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंपनीज की डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ कॉस्ट ऑफ ईज इन्वेंटरी आइटम परचेज। ईज है, अगर 200 आइटम्स हैं इन्वेंटरी के डिफरेंट, तो हर इन्वेंटरी का आइटम एक मेंटेन हो रहा होगा स्टोर के अंदर। ठीक है, जिसके अंदर रिकॉर्ड्स कंटिन्यूअसली शो इन्वेंटरी दैट इज ऑन हैंड फॉर एवरी आइटम। ठीक है, और ये एक बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो उसके उसका जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, एवरी टाइम उसको डेली बेसिस पे चाहिए कि कौन सा इन्वेंट्री का स्टॉक अभी कितना है, ताकि ही शी कैन ऑर्डर। है, क्योंकि जब कंपनी ऑर्डर देती है किसी आइटम को परचेज करने के लिए, तो ऑर्डर आपका लीड टाइम होता है कि कितने दिनों में जो सप्लायर है आपको सप्लाई करेगा। सम आइटम्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय देम, वो मैन्युफैक्चर करते हैं फिर भेजते हैं, तो आपके पास हर आइटम का लीड टाइम भी होगा। ठीक है, यानी कि कितने दिनों में वो सप्लायर जो है आपको, आज अगर आपने उसको सप्लाई ऑर्डर दिया ना, तो कितने दिनों में वो आपको सप्लाई कर देगा, उसको कहते हैं लीड टाइम। ठीक है, इसलिए उसको चाहिए प्रोक्योरमेंट मैनेजर को आपके के रिकॉर्ड शो कंटिन्यूसली शो द इन्वेंट्री दैट इज ऑन हैंड फॉर एवरी आइटम। अंडर द परपेचुअल सिस्टम कंपनी डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ईच आइटम। ईच टाइम सेल इज मेड, जब भी सेल होगी आपकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिटरमिन हो जाएगी। ठीक है, आज तक की डेट में, और साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। सिमिलरली जब परचेज करेंगे, तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो इफेक्ट नहीं करेगी ना, टोटल परचेजेस इफेक्ट करेगी और इन्वेंट्री फिर चेंज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज होगी और इन्वेंट्री का स्टॉक रिड्यूस होगा। जब परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री का रिकॉर्ड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए आगे भी चले कि पीरियोडिक में देखो क्या है। इन्हें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम पीरियड से निकला, पीरियोडिक। कंपनीज डू नॉट कीप डिटेल एंड सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच इन्वेंट्री परचेज एंड सेल। इंस्टेड क्या करते हैं, देखो, कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेज आर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग टू इन्वेंट्री अकाउंट। और इन्वेंट्री भी पर्टिकुलर इन्वेंट्री, यहाँ पर एक ही अकाउंट में डेबिट हो रहा है, परचेज अकाउंट, दैट्स ऑल। कुछ भी परचेज किया परचेज अकाउंट में डेबिट हो रहा है। ठीक है, दे डिटरमिन द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ओनली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी कि जब पीरियड एंड हो जाएगा, मंथ खत्म हो जाएगा, थ्रू द हेल्प ऑफ फिजिकल स्टॉक टेकिंग। कि स्टॉक टेकिंग से देखते हैं कि कितना स्टॉक आपके पास मौजूद है और उसको वैल्यू कर लेते हैं। ठीक है, जी सर, उसको वैल्यू करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू कर लेंगे उसके हिसाब से, फीफो लीफो एवरेज के हिसाब से। तो देखिए, मेथड्स ऑफ प्राइसिंग मटेरियल्स इश्यूज सोल्ड। अब सोल्ड जो हो रही है ना चीज, उसको देखो, फिर बता रहे हैं आपको, तीन मेथड्स हैं। अब इशू के टाइम कौन सा रेट लगाएं। ठीक है, एक चीज सेम आइटम की बात हो रही है, सेम आइटम आज जो परचेज किया, कल जो परचेज करेंगे प्राइस चेंज हो जाएगी, स्पेशली इन पाकिस्तान, राइट। प्राइस उसकी चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ प्लस ही हो जाएगा, सम टाइम माइनस भी हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली प्लस होगा, प्राइस चेंज हो जाएगी। अब उसके लिए तीन मेथड अप्लाई किए गए ऑल ओवर द वर्ल्ड। फीफो मेथड, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट लास्ट इन फर्स्ट वेटेड एवरेज। देखो तीन मेथड है, राइट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, वेटेड एवरेज।
नहीं, कल पढ़ाया भी था, इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसमें क्या है, अंडर फीफो, शॉर्ट में कह लो फीफो इसको, इट इज अज्यूम दैट आइटम्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट। ठीक है, जो चीज पहले परचेज की वो अज्यूम कर रहे हैं कि जब सोल्ड हो रही है तो वो चीज पहले सोल्ड हो रही है। ठीक है, सेम आइटम की बात हो रही है, राइट, आइटम्स परचेज फर्स्ट आर सोल्ड फर्स्ट, राइट। देखिए इसका मतलब हो गया आइटम्स परचेज फर्स्ट, इसका मतलब ओल्डेस्ट स्टॉक, फर्स्ट तो ओल्डेस्ट स्टॉक हुआ ना, तो सबसे पहले परचेज किया था, तो जब सेल करेंगे तो सबसे पुराना स्टॉक्स में से इन्वेंट्री को आउट करेंगे। ठीक है, दस एंडिंग इन्वेंट्री, अब पुराना माल जब बेच रहे हैं तो इसका मतलब एंडिंग इन्वेंट्री में नया माल होगा, है, दूसरे लफ्जों में ये भी सेंटेंस को समझना। ठीक है, इन दिस मेथड ईच परचेज रिकॉर्ड इज कैप्ट सेपरेटली विद इट्स परचेज प्राइस। इन्वेंट्री के रिकॉर्ड में हर रिकॉर्ड सेपरेट मेंटेन हो रहा हूँ, उसको मर्ज नहीं करेंगे। एवरी पीस सोल्ड इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सोल्ड या इश्यू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है, या तो सोल्ड कर रहे होंगे मर्चेंडाइजिंग कंपनी, और अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है तो फिर अलग होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर परचेज रिकॉर्ड अंटिल नो क्वान्टिटी इज लेफ्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्ड एंड देन नेक्स्ट परचेज रिकॉर्ड इज। अब ये मुझे उम्मीद है कि सेंटेंस अब जो सेंटेंस क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, ये जुमला जो है कि एवरी पीस सोल्ड आर इशूड टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या सेल सोल्ड या इशूड टू प्रोडक्शन, और का वर्ड इस्तेमाल हुआ ना, और तो ये इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए पर्टिकुलर परचेज रिकॉर्ड। पर्टिकुलर का मतलब कि पुराना रिकॉर्ड से पहले माइनस करेंगे, फिर वो जब खत्म हो जाएगा तो उसका नेक्स्ट लेंगे, उसका नेक्स्ट लेंगे, अंटिल नो क्वांटिटी इज लेफ्ट फ्रॉम दैट रिकॉर्ड एंड देन नेक्स्ट परचेज रिकॉर्ड इज कंसीडर्ड। ये फीफो में, और लीफो में क्या है, देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, अंडर द लीफो यहाँ पर क्या अजम्पशन है कि आइटम्स परचेज लास्ट, लास्ट में जो परचेज किया यानी कि आखिर में जो परचेज किया यानी कि लेटेस्ट, लेटेस्ट हो गया आइटम्स परचेज लास्ट आर सोल्ड आर इशूड फर्स्ट दैट इज फ्रॉम द मोस्ट रिसेंट परचेज। ठीक है, दस एंडिंग इन्वेंट्री, इसका मतलब होगी कंपोज ऑफ फर्स्ट ओल्डेस्ट गुड्स, वो ओल्डेस्ट आइटम्स परचेज होगा जो एंडिंग इन्वेंट्री, क्योंकि नया माल बेच रहे हैं, अब नया माल हम से इशू कर रहे हैं। ठीक है, इन दिस मेथड ऑल्सो ईच परचेज रिकॉर्ड इज कैप्ट सेपरेटली विद इट्स परचेज प्राइस एंड एवरी पीस सोल्ड और इशू टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द पर्टिकुलर परचेज रिकॉर्ड अंटिल नो क्वांटिटी। यहाँ पर समझो टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, वहां बॉटम टू टॉप की तरफ जा रहे हैं इन्वेंट्री रिकॉर्ड इशू करते हुए। ठीक है, और ये थर्ड आइटम क्या था, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड या मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, ये है, इसको एवरेज मेथड भी सिंपल कह सकते हैं। अंडर एवरेज इट इज अज्यूम दैट सेल्स इशू इज मेड फ्रॉम द स्टोर फ्रॉम द मिक्स क्वांटिटी। यहाँ पर क्या हो रहा है, इशू जो हो रहा है वह मिक्स क्वांटिटीज हो रहा है। यहाँ पर समझो एक ही आइटम की बात हो रही है कि ये नहीं देख रहे हैं कि ये पहले खरीद परचेस किया था या बाद में परचेस किया था, मिक्स लॉट, सब हमने लॉट को मिक्स कर दिया। ठीक है, एक ही आइटम के लॉट को मिक्स किया हुआ है, जब इशू कर रहे हैं उसी में से समझो हाथ बढ़ाया, उसमें से आइटम ले इशू निकाला, सेल कर दिया। ठीक है, ये नहीं देखा कि ये पुराना या नया, मिक्स कर दिया। ठीक है, व्हेन द एवरेज कॉस्ट इज यूज्ड एंड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, देखो ये, देखो ये जुमले को समझो यहाँ से यहाँ तक, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो समझ आए। अंडर द एवरेज कॉस्ट मेथड इज इफ व्हेन द एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज्ड एंड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड ईच टाइम परचेज, जब भी परचेज करेंगे तो हम एवरेज रेट निकाल लेंगे, एवरेज रेट निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे एवरेज रेट, टोटल जैसे आज परचेज कर रहे हैं, देखो इस जुमले को समझो, टुडे वी आर परचेजिंग, तो पहले से वो स्टॉक मौजूद है। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी भी मौजूद है पहले से, वैल्यू भी मौजूद है टोटल। ठीक है, रेट भी मौजूद है, टोटल वैल्यू। अब हम रेट कैसे निकालेंगे, अब जो परचेज किया उसको पिछली क्वांटिटी में जमा कर दिया,
और उसकी वैल्यू जो है, जो परचेस की टोटल वैल्यू, वो पिछली वैल्यू जो पहले से मौजूद थी उसमें जमा कर दिया है। टोटल वैल्यू डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, टोटल यूनिट डिवाइडेड बाय, तो ये एवरेज रेट आ गया। इस तरीके से ये एवरेज रेट निकालेंगे। देखो, व्हेन द एवरेज कॉस्ट मेथड इज यूज एंड एवरेज यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड ईच टाइम सेल इज मेड है। इसलिए बिल्कुल करेक्ट वर्ड जो इस्तेमाल हो रहा है इसके लिए, इस टेक्निक के लिए, मूविंग एवरेज। ठीक है, और अब हम परपीचुअल इन्वेंट्री के लिए देखो, जब परपीचुअल इन्वेंट्री का रिकॉर्ड होगा तो ये लेजर मेंटेन होगा है। ये देखो, जब भी परपीचुअल है तो ये लेजर मेंटेन होगा हर आइटम के लिए। इन्वेंट्री ए बी सी कंपनी, इन्वेंट्री लेजर, नेम ऑफ द आइटम का, आइटम का नाम लिखा, कौन सा आइटम। ठीक है, और देखा फीफो लीफो एवरेज, वो भी लिखोगे हेडर में, और फिर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देखिए डेट रिसीट्स यानी कि परचेजेस, इसके तीन कॉलम होंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। क्वांटिटी का मतलब यूनिट्स, अब यूनिट्स आपके नंबर्स में भी हो सकते हैं, यूनिट्स आपके ग्राम में हो सकते हैं, लीटर्स में हो सकती हैं, लीटर्स में तो यहाँ लीटर लिख देंगे, ग्राम होगा तो ग्राम, रेट उसका और टोटल अमाउंट। फिर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्लोजिंग स्टॉक क्वांटिटी रेट अमाउंट, ये कॉलम कॉमन है, चाहे फीफो लीफो या एवरेज। ठीक है, ये कॉलम कॉमन होगा। और उसके बाद हम अभी हम वो काम कर ले पीरियोडिक, तो अभी बाद में डिस्कस करेंगे, अब इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आ जाइए क्वेश्चन पे, जो कल मैंने लिखा था उसको जल्दी से, पहले क्वेश्चन को आप लोग पार्ट वन हम कर चुके थे, लेकिन फिर डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन था कल वाला। ठीक है, शेयर हो रहा है क्वेश्चन, हो नो सर गया? ठीक जी सर आप हो गए है, देखो यही क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे भी है, देखें। देखिए, फीफो मेथड डिस्कस हो गया था, लेकिन 5 मिनट्स में हम इसको रिवाइज करते हैं, तो आज क्विज भी है। देखिए, डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस, देखो फॉलोइंग इन ट्रांजेक्शन शोज द परचेज एंड सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम, ब्लू बैंड मार्जरीन है फ्रॉम ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर का एक स्टॉक बता रहा है। ओपनिंग बैलेंस इसका था फर्स्ट, यानी कि 1 मई को 2020 को, नंबर्स थे, यूनिट्स थे 20, और रेट था उसका, एक का रेट दिया हुआ 300 रुपये पर यूनिट, और ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई ये परचेजेस हुई है, 3 परचेजेस हुई है, 4 मई को, 10 मई को, 20 मई को। ठीक है, और सेल कब हो रही है, 99 को, फिर 15 को, फिर 24 का है सेलिंग रेट दिया हुआ है। सेलिंग रेट सेल्स निकालने में यूज होगा, याद रखो। और क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फॉर द मंथ ऑफ मई यानी कि टोटल पूरे महीने की, एंड क्लोजिंग इज कॉस्ट, कॉस्ट असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री ऑन मई 31। ठीक है, 31 को जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, वो तीन मेथड्स हैं, फीफो लीफो एवरेज। ठीक है, अज्यूमिंग दैट, देखो लिखा हुआ है कंपनी यूजिंग परपिचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, और फिर आपको बताया ग्रॉ, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट अंडर ईच मेथड है, एंट्री भी आपको बताएंगे कि क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पर समझो पार्ट वन है, एक एक का पार्ट है फीफो लीफो एवरेज। ठीक है, इसमें हमने कॉस्ट ऑफ असाइन टू द एंडिंग इन्वेंट्री एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी देना है आपको। ठीक है, और हर मेथड में निकालने के बाद फिर हम कहेंगे उसकी आपका ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, एंट्री भी समझा देंगे क्या करेंगे। तो देखिए, अब आप क्वेश्चन पे इसके सोल्यूशन पे आ रहे हैं जल्दी से। देखिए, देखिए
हो रहा है, सोल्यूशन शेयर हो रहा है। हाँ भाई, सोल्यूशन शेयर हो जी हो रहा है। रहा है सर। हाँ जी हो रहा है। आप जी क्वेश्चन जी सर सामने हो रहा है। रखो, देखो ये अभी पहला क्या है, ये कल करा भी दिया ये है, फिर हम इसके बाद लीफो लेंगे है, ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर इन्वेंट्री रेजर, देखो फीफो है। अभी कल नहीं समझ आया तो फिर देख लो, मंथ है, मैं देखो डेट, परचेज, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंड स्टॉक बैलेंस। देखो ओपनिंग बैलेंस था, सबसे पहले वो लिखा फर्स्ट मैं 2015 में, देखो 1,5 ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखो 90, देखो क्वेश्चन में देखो 90 और 300 का रेट है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास आ गया 37,000। 90 को अगर 300 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आपके पास वही आ जाएगा 27,000। 90 इंटू 300 27,000 आ गया, ठीक है। अब देखा कि अब ट्रांजेक्शन, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किस डेट का है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेल का भी हो सकता है। देखा फर्स्ट अब ट्रांजेक्शन हो रहा है, परचेज में आ रहा है, जो नियरेस्ट नेक्स्ट डेट है ना तो वो फोर्थ की है और वो परचेज है, तो यहाँ देखो फोर्थ लिखा, फोर्थ है। कितनी परचेज हो रही है, 150 परचेज हो रही है और रेट इसका 310 है, एक ही आइटम है ब्लू प्रिंट, तो इसको मल्टीप्लाई किया 150 × 310 ये परचेज हुई। अब देखो अब क्या करोगे यहाँ पर, अब हम दोबारा यहाँ पर देखो इस डेट में हमें स्टॉक देखना है और स्टॉक को मर्ज भी नहीं करना है, ठीक है। तो पुराना स्टॉक पहले कॉपी किया जो पहले से मौजूद था, ठीक है, वो जो फर्स्ट में था। अब फोर्थ में ये आ गया ना, तो फोर्थ आज जो फोर्थ है तो फर्स्ट पहले पुराना स्टॉक लिखा ताकि पता रहे कि ये पुराना है, वो पहले लिखेंगे। और अब नया स्टॉक जो है क्या, कितना परचेस किया, 150, ये इसके नीचे आ गया 150। रेट क्या था, 310 310, और वैल्यू थी 4, ठीक है। अब ये हमें पता क्या कि ये जो स्टॉक है ना, ये आपका नया पुराना नया मिला के इसकी टोटल वैल्यू क्या है, ये भी जरूरी है ना कि वैल्यू हम देख रहे हैं तो इसकी टोटल वैल्यू क्या है, तो देखा टोटल वैल्यू क्या है, ठीक है, फौरन इसको इसीलिए जमा कर लिया, ठीक है। देखिए देखिए क्या है, देखो 27 और 46 इसको सम अप किया तो ये आ गया 43 40 75.3 73,500, ठीक है। सम क्यों किया, क्योंकि हमें टोटल वैल्यू भी तो चाहिए ना, इस दिन कितनी है, ब्रेकअप तो है, ठीक है, और क्वांटिटी भी आ रही है, क्योंकि तो प्रोक्योरमेंट वाले को तो ये चाहिए कि क्वांटिटी कितनी पड़ी हुई है वैल्यू। अब आ गए नेक्स्ट पे, इसका नेक्स्ट डेट क्या है, वो है 9th है, वो 9th आ रही है, वो सेल की आ रही है, ठीक है। अब सेल करना है, फीफो मेथड है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। हमें पता है देखो 4 तारीख में स्टॉक ये था, पुराना माल और ये नया माल, ठीक है। अब हम 9 को बेच रहे हैं तो पहले पुराना माल बेचेंगे ना, फीफो मेथड है, बेचना है कितना, टोटल क्वांटिटी जो सोल्ड हो रही है वो हो रही है 130, सेल कितनी हो रही है 130, ठीक है। तो सबसे पुराना माल हमने देखा वो 90 है पुराना माल, इससे ज्यादा तो है ही नहीं, तो पुराने माल को सारे को बेच दिया, उसका रेट था 300, तो 300 से मल्टीप्लाई कर सकते। अब बाकी कितना बच गया, अब देखना है ना, वो लेंगे ना 130 तो सेल कर रहे हैं, तो बाकी बचा 40, 40 हमने नेक्स्ट लॉट से ले लिया, 150 वाले से 40 लिया और उसका रेट था 310 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया, ठीक है। और अब बचा देखो स्टॉक में क्या बचा, 150, 90 तो एग्जॉस्ट हो गया सब, बाकी इसमें से 150 में से 40 ले लिया, बाकी बचा 110 और इसका रेट है 310, 310 से मल्टीप्लाई किया, ये देखो 9th की डेट में स्टॉक आ गया, 9th की डेट में। अब वो स्टॉक तो गया, ये देखो 9th की डेट में एक ही आइटम है, इसलिए इसको आपने प्लस करके लिख, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आइटम एक है भाई, एक ही आइटम बचा है, उस 110 नंबर है और उसका रेट 310 है और टोटल वैल्यू 34,100, ठीक है। अब आ जाओ, ठीक है, अब हम जब लिखेंगे स्टॉक तो देखो इस रो यहाँ नहीं लिखोगे, यहाँ लिखोगे, क्योंकि यहाँ तक तो ये आ रहा है ना इशू, यहाँ नहीं लिखना है बल्कि यहाँ लिखना, और वो डेट है 10th की डेट है, परचेज की डेट है, 10th की जो है वो परचेज की डेट है, तो परचेज पहले लिखोगे, 9th के बाद 10th आ रही है जो परचेज है, वो परचेज है 140 की, ठीक है, 140। तो
140 और उसका रेट है 314, देख लो क्वेश्चन में देखो 314, ठीक है 314 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये परचेज आ गए। अब हम आ गए स्टॉक पे, पुराना स्टॉक पहले लिखा, अब 10 में ला रहे हैं, 9 तारीख का स्टॉक यहाँ आ गया 110, 340 और नया स्टॉक 140 है, इसके नीचे लिखा और 314 आ गया और टोटल इन दोनों को वैल्यू कर लिया तो पता लगा 78,000 हो गया। ठीक है, क्लियर? जी सर। ठीक है, अब नेक्स्ट डेट देखी है, अब देखा ये थी आपकी कौन सी डेट थी, 10th। अब 10th के बाद जो डेट आ रही है वो आ रही है 15, ठीक है 15 को हम सेल कर रहे हैं क्योंकि वो परचेज की तो 20 है ना, 15 वो पहले लोगे, 15 की डेट में हमने परचेज सेल कर रहे हैं कितना, देखो 15 की डेट में 170 सेल कर रहे हैं, 170, ठीक है 170, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम है इश्योरेंस का। अब देखो पुराना आइटम सबसे पुराना 110 है, इसका रेट है 310, तो देखो 110 ले लिया, 170 निकालना है। अब नेक्स्ट बाकी बच गया 60, नेक्स्ट लॉट से ले लिए, ले सकते हैं ना, यहाँ 140 है तो 60 हो गया, तो अब इसका 60 का रेट लगा लिया और 110 का जो रेट था वो 110 और मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ क्या बचा, 15 तारीख में 110 वाला तो खत्म हो गया बिल्कुल, ये देखो ले लिया, बाकी 140 में से कितना बच गया, 80 बच गया, 140 माइनस 60 इज इक्वल टू 80, ठीक है 80 का रेट वही 314, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ब्रेकिट लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि एक ही आइटम है, स्टॉक हमारे पास कितना बचा, कौन सी तारीख को, 15 तारीख को, ठीक है ये सेल हुई और ये। अब आगे 20 तारीख को नेक्स्ट है 20th, ठीक है 20th को फिर अब परचेज कर रहे हैं, ठीक है 20th को परचेज की 170, देखो क्वेश्चन में 170 एट द रेट ऑफ 318, एट द रेट ऑफ 318, ठीक है तो परचेज हुई। तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखो 80 पहले पुराना स्टॉक है, देखो 80 314 और 25 120, ठीक है ठीक है, और बाकी ये देखो 170, अब ये लिखा इसके नीचे 170 318, ठीक है ये हो गया। अब इन दोनों का स्टॉक देख लिया कि 26-25 तारीख में क्या स्टॉक है, इनकी वैल्यू को टोटल कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट है इशू, लास्ट इशू आ रही है जो कि 25th को है, 24th को है, वो इशू है 185 सेल जो हो रही है 185, ठीक है 185 और स्टॉक हमारे पास ये है 80 और 170, तो पुराने माल से पहले बेचा 314 मल्टीप्लाई इसका 314 ये रेट दिया। अब बाकी कितना बचा, 105 टोटल एक सेल कर रहे हैं हम, 180 ना 185, ठीक है तो बाकी कितना बचा 105। अब 105 नेक्स्ट लॉट से ले लिया कि 170 वाले में से, इसका रेट है 310, 318, ठीक है ये 105 क्यों लिया, क्योंकि टोटल इश्यूएंस जो सारी हुई है इस डेट को, ठीक है वो आपकी 185 हुई है, तो बाकी ये आप देख सकते ले लिया इसमें से माइनस करके, तो ये आपके आ गया और स्टॉक चेंज हो गया इस तारीख को, ये तो जीरो हो गया सारा इशू कर दिया और इसमें से हमने इशू किया 105, तो बाकी रह गया 65, ठीक है बाकी रह गया 65, कैसे 65 रह गया, ये 170 और ये 1505, तो ये आपके 65 हो गया, ठीक है 65, ठीक है तो और इसका रेट है 318, ठीक है इस तरीके से ये हमारे पास एक ही स्टॉक बचा 170 में से जो बचा, तो ये इसको टोटल यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख दिए काफी, तो अब हमारे पास 24 तारीख को देखो सेल क्या कर रहे हैं, देखो 24 तारीख को 185 लिया, देखो 80 यहाँ से लिया है ना ये 80 और बाकी 105 इसमें से लिया 170 वाले में से, ताकि 185 पूरा हो जाए, इसका रेट 80 का रेट था 314 और इसका
318, ठीक है, 318 सिक्स को जरा दे दिया तो ये वैल्यू आ गई, ठीक है। और अब क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो गया इस तारीख को, ये देखो 180 तो एग्जॉस्ट हो गया पूरा है 80, और इसमें से 170 में से ये 105 बेच दिया, फिर 65 बचा, 65 हो गया, इसका रेट 318 है। ये आपके पास 24 तारीख में आया, 24 का रेट जो है, 24 की क्वांटिटी वही 30 की क्वांटिटी, उसके बाद ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहे, इसीलिए स्टॉक हमने ले लिया। 31 को भी यही हो गया, 65, 318 और 26, और इन सबको जमा कर लिया तो पूरे महीने की इश्योरेंस कितनी, ठीक है, 150 और 300, और स्टॉक क्या हुआ देखो, अब एंट्री करेंगे इसकी। देखिए पहले सेल पूछ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है, सबको जमा किया, रेट क्योंकि डिफरेंट है ना, 130 इंटू 330 प्लस 170 जो सेल हो रही है, क्वांटिटी आ रही है, यहीं से फिगर हम पिक कर सकते हैं ना। देखो ये जो है आपकी सेल जो है, देखिए थ्री थ्री फाइव 160 की सेल हो रही है, ये देखो आपने लिया 130, देखो 130 उसका रेट कितना है 340, 130 इंटू 330 क्या है, देखो सेल कितनी है 130 इंटू बोलो 130 यूनिट्स इंटू इसका रेट क्या है, सेलिंग रेट कितना है भाई, ये सही लिखा है या गलत लिखा है, 330 है? देखो ठीक है 130, देखो 130 की सेल है, ये देखे 9 तारीख को 130 की सेल है, उसका रेट है 340, ठीक है, 340 का रेट है, 340 राइट, अब सेल ले रहे हैं ना, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो निकल आई 150, सेल ले रहे हैं अब टोटल, तो 130 सेल किया हमने 340 के हिसाब से, तो 130 देखो 130 प्राइस इसकी है 340, 340 तो यहाँ लिखा हुआ 330, तो 340 लेंगे ना, आप कह रहे हो सही है, ये देखो 340 यहाँ रेट दिया 340, ठीक है। और उसके बाद दिया आगे गए, आगे सेल हो रही है 170, उसके पर 365 है 365, उसका रेट कितना है 365, ये देखिए 3 6 3 3 5 365, ठीक है 365, 330 देखो, ये मैंने आपने कहा सही है तो आपने सही कहा, मैंने दूसरे क्वेश्चन का रेट ले रहा था गलती से, ठीक जी सर, मैं भी वही बोलने वाला था। है, आपने सही कहा था 130 है और रेट है 330, ठीक है, फिर 170 170 इंटू 335 सही है, और फिर 185 इंटू 340, ठीक है, तो ये आ गया। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस किया, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपको, क्वेश्चन पार्ट इसी का जो है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी कंप्यूट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका फीफो मेथड हमने कर दिया, ठीक है, और इसकी इसकी हमने अगर इन्वेंट्री एंट्री मांगी होगी ना, देखो एंट्री क्या होगी, गौर से सुनो, आप मैं राइट नहीं कर रहा हूँ लेकिन समझा रहा हूँ, देखो दो एंट्री होगी, एक सेल की एंट्री होगी और एक इन्वेंट्री की एंट्री होगी। देखो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, पूरे महीने की एंट्री बता रहे हैं, देखिए पूरे महीने की, यानी कि 30 मई को जो एंट्री होगी, से अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट, कि देखो ये अमाउंट सेल कितनी की है 162, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट अज्यूम कर रहे हैं कि क्रेडिट पे सेल किया, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 162,750 और सेल क्रेडिट 162,750 है, ये एंट्री हो गई है, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 1,62,000, ये देखो 1,62,000 सेल है 750 और सेल क्रेडिट 162,750 है, ये एंट्री फर्स्ट, ठीक
टू रिकॉर्ड द सेल फॉर द मंथ, ये नरेशन दे दिया। और सेकंड एंट्री हुई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, है देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट 158.50, है और इन्वेंट्री क्रेडिट 158.50। अगर परपीचुअल मेथड है तो इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, ये दो एंट्री होगी महीने के। ठीक है, समझ गए सब? जी सर। ठीक है, अब हम आ जाओ, है ये कल ही करा दिया था लेकिन आप लीफो पे आ जाओ। चले लीफो मेथड, ठीक है लीफो मेथड लास्ट इन। अब देखो एक स्टूडेंट अभी इस टाइम आया, लीफो मेथड से अब इसको सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को, सेकंड पार्ट है यानी कि क्या है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो इशू होगा वो नए में से इशू होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये देखिए यहाँ पर हेडिंग दिया ईस्टर्न डिपार्टमेंटल स्टोर इन्वेंट्री लेजर ब्लू बैंड मार्जरीन, और ये लीफो मेथड है, लीफो सिस्टम है। देखो फिर वही कॉलम वही हुए, ओपनिंग इन्वेंट्री एज इट इज कॉपी कर ली 90 और 300। अब देखो इशू कर रहे हैं 4 तारीख को, इशू 4 तारीख को परचेज कर रहे हैं, वो तो एज इट इज आ जाएगा, परचेज में तो कोई चेंज नहीं होगा, 150 310 और 46 और ये इन्वेंट्री लिख दिया। देखिए 4 तारीख में तो आपने कैसे लिखा 90, पुराना स्टॉक पहले लिखा ये देखो, और नया स्टॉक आ रहा है 150 310 340 और ये इसका टोटल कर दिया तो आपके पास आ गया। ठीक है, ठीक है देखो ये तो इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन अब इशू हो रही है 9 तारीख को और मेथड है लीफो। देखो यहाँ पर फर्क हो जाएगा, मेथड है लीफो, ठीक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, कितना इशू कर रहे हैं, सेल कितनी हो रही है 130 की, लेकिन 130 अब हम कैसे माइनस करेंगे, देखो 130 देखिए 130 है कितना है 9 को 130 लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब है क्या ये 80, देखो ये 80 जो है देखो ये स्टॉक है इस वक्त हमारा स्टॉक कितना है ये है, देखें स्टॉक जो है इस वक्त ये जो परचेज किया है हमारे पास ये स्टॉक है, इसका ब्रैकेट भी लगा दो, यहाँ ब्रैकेट लग गया है। देखिए ये देखिए है अभी परचेज किया तो ये आ गया, देखो 90 300 और फिर परचेज वाला लिख दिया 150 310 और 46, इन तीनों का दोनों का टोटल ये आ गया स्टॉक इस तारीख को ये। ठीक है तो 90 तो हमने पिछले इससे इस ओपनिंग स्टॉक था ना इसको ले लिया इस तारीख में और ये नया स्टॉक नीचे लिया टोटल, अब इशू हो रहा है 9 को पर सेल हो रही है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है सेल का 9, अब देखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब बेचेंगे ना हमारे पास ये स्टॉक है 90 और 150 है, सेल हो रही है कितनी 130 है, देखो 130 की सेल हो रही है 130 राइट, तो 130 का मतलब है ये लास्ट स्टॉक ये 150 का है, इसी में से 130 माइनस के ले लिया 130, ठीक है 130, ठीक है और उसके बाद पूरा ही हो जाता है ना इसे 130 से। ठीक है देखिए 130 ये देखो यहाँ पर लास्ट तो 150 है तो दूसरा टच ही नहीं करने की जरूरत है, 130 ले लिया, इसका रेट है, इसका रेट कितना 310 है, 310 से मल्टीप्लाई किया ये आ गया। अब स्टॉक क्या बचा, देखो स्टॉक क्या बचेगा कि ये जो 90 तो टच ही नहीं किया है, ये 90 एज इट इज आ गया यहाँ पर, ये देखो 90 एज इट इज आ गया, 90 के रेट है 300 और इसमें से हमने इशू किया है 150 में से, और 150 में अब कितना बचा, 150 में से 130 सेल कर दिया, अब बाकी क्या बचा, कितना बचा बोलो 20, ठीक है 20 यहाँ बचा, इसको 20 लिखा और इसका रेट क्या है, देखो इसका रेट क्या है ये जो इसमें से बचा है, देखो आपका जो है ये देखें 90 को तो टच ही नहीं किया ना, वो तो एज इट इज आ गया और इसमें से 20 बचा, तो इसका रेट है आपका 300 रुपये,
300 आएगा। सॉरी 300 है, इसका 300 है, देखो ये 300 लिख दिया, ठीक है ये आ गया। अब देखो ये बचा, और इसको यहाँ पर भी अब इसको टोटल कर लिया है, यहाँ पर टोटल, फिर ब्रैकेट यहाँ भी लगेगा एक, ठीक है देखो यहाँ भी ब्रैकेट लगा दिया, ये देखिए ठीक है इसका ब्रैकेट लगाया और यहाँ पर टोटल लिख दिया 9 तारीख में, यानी कि 27,000 जमा 6,200, 27,027,000 इंटू 200 प्लस 200 कितना हो गया देखो, 27,000 जमा 6,200 ये बच रहा है ना, 27,000, 27,000 जमा 6,200 कितना आ गया 33,000, 33,000, 33,000 और 200, 33,000 और आपका आ गया 200, ठीक है ठीक है 33,000 इन दोनों का टोटल 33,200 स्टॉक आ गया। अब हम चले नेक्स्ट डेट पे, नेक्स्ट डेट देखो परचेज किए है, नेक्स्ट डेट परचेज किए ठीक है, 9 के बाद जो परचेज की डेट आ रही है, तो परचेज लिया कितना परचेज कर रहे हैं 170 नहीं, परचेज कितना कर रहे हैं 140 है, 140 उसका रेट है 314, तो ये 314 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब स्टॉक में देखो स्टॉक फिर चेंज हुआ है, स्टॉक जो है देखो ये था 90 और 20 है, 90 पहले लिखा यहाँ पर देखो 90, 90, 90 देखो क्या लिया, अब हम परचेज कर रहे हैं ना, एक मिनट देखिए ये देखिए परचेज किया ठीक है, और हमने परचेज किया कितना 140, तो पहले से स्टॉक है हमारे पास 90 और 20 है, ये देखो 90 20 ठीक है, तो 90 20 तो एज इट इज यहाँ पर आएगा है 90, देखो इस वक्त इसके परचेज करने से पहले हमारे पास क्या स्टॉक है 90 और 20, समझ रहे हो ना 90 और 20, तो 90 20 पहले लिखेंगे ना 90 और 20, तो यहाँ लिखा देखो 90, 90 का रेट है 310 और ये 90, 90 का तो रेट 300 है ना। हाँ 90 का रेट है 300, 300 बिल्कुल ठीक है 300, और फिर 20 का कितना रेट है 310 310, यहाँ 310 लिखा ठीक है, तो ये आ गया आपका ठीक है, लेकिन क्या है अभी परचेज हुई है ठीक है, परचेज हुई है ना, तो देखो परचेज हुई है, अब ये भी तो लिखेंगे ना, देखिए देखिए ये परचेज हुई है ना, देखो ये पहले लिखा हमने 90 और 20, अब परचेज कितनी हो रही है 140, अब 140 इधर आया 140 देखो 140 और 310 नहीं 314, 314 अब हमारे पास क्या स्टॉक बचा देखो, सर ये जो 140 के ऊपर 50 लिखा हुआ ये कौन सा है, ये कौन सा 140 के जो ऊपर ही लिखा हुआ है, मतलब 90 और 20 के नीचे 50 जो लिखा हुआ। अच्छा 90 और 20 ये आ गया ना, देखो 90 20, सर सर वो अब माइनस यहाँ हो पर गया। आया क्या देखो, यहाँ पर आया 140, ये आया 140 है और 314, 314 ठीक है, तो अब आपके पास क्या आ गया स्टॉक है, वो ये उसको करेक्ट कर रहे ना, ये देखिए तो अब हमारे पास कितना स्टॉक हो गया देखो, 3 स्टॉक हो गया, 1 2 3, इसलिए इसको ब्रैकेट हम कहाँ लगाएंगे ये देखें, अब बताओ एक से अब बताओ क्लियर हुआ ठीक जी सर, है, देखो सब समझो, अब यहाँ टोटल भी करेंगे है, 3 स्टॉक है हमारे पास देखो 20 सर 90 ऊपर
ऊपर तो दो का टोटल डी किया था, बटे यहाँ पर तीन करेंगे सर। क्या कह रहे हो? ऊपर जो हमने दो का टोटल किया था 90 और 20 का, और यहाँ पर तीन का करेंगे टोटल। जी, 3 का करेंगे ना, क्योंकि अभी ये 10 तारीख को हमारे पास ये 3 का स्टॉक आ गया ना। ठीक है, तो इन तीनों का टोटल, अब यहाँ पर ये जो बॉटम पे ना, यहाँ पर तीनों का टोटल करोगे ना, अब जब 4 आ जाते तो चारों का करते, क्योंकि तो इसको समाप्त किया 27,000 जमा 6,200 और जमा 43, 43,960 इतना स्टॉक है वैल्यू में, 77,160 ये लिख दिया, 77,160। ठीक है, और इसको इसको वो कर लो, ये लो 77, इन तीनों का टोटल। ठीक है, यहाँ तक तो अब क्लियर हो गया सबको। ठीक है, क्लियर? अब आ जाओ, नेक्स्ट जी क्या सर, डेट है? क्लियर है। ठीक है, 10 के बाद देखो डेट क्या है, कौन सी डेट आ रही है 10 के बाद, बताओ। 10 10 तो हमने यस सर सर, 15 है, है। और अब है 15 की डेट आ रही है, फिर 10 के बाद 15 है सेल की, तो सेल की एंट्री पहले करेंगे ना। 15 यहाँ लिखा, 15 देखो यहाँ पर लिखा 15, ये देखिए 15। ठीक है, अब सेल कैसे करोगे 15 में, कि हमने देखें में सेल हो रही है और लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन। देखो सेल कितनी है, सेल हो रही है 170, 170, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो बताओ सेल में कैसे लिखेंगे यहाँ पर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिखेंगे हाँ, क्या क्या लिखेंगे बताओ, पहले क्वांटिटी क्या आएगी? 170 आएगी, फिर रेट में आएगा 335। 170 कैसे आएगी? 170 की तो हमारी सेल हो रही है और लास्ट इन फर्स्ट आउट है। देखो कितनी आ रही है सेल, हो रही है 170, यहाँ 170 की सेल हो रही है, तो 170 तो हम टोटल लिख ही नहीं सकते। देखो हमारे पास आखिरी जो लॉट है वो जो परचेज किया है 140 किया है, इससे ज्यादा। ठीक है, तो आप लिखोगे क्या लिखोगे यहाँ पर, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या इसी रो में देखो 15 की तारीख में यहाँ लिखा 140, लास्ट इन फर्स्ट आउट है 140, और इसका रेट है 314, पहले ये इशू किया 314। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया? ठीक है, अब 140 हमने ये यहां से लिया लास्ट इन फर्स्ट आउट, टोटल बनाना है 100, टोटल बनाना है 170 है। अब ये लॉट पकड़ा, अब इसमें से ज्यादा ज्यादा 20 इशू कर सकते हैं, 20 है ना, ये 20 ले लिया यहाँ पर 20, और कितनी है रेट इसका क्या है, 310, 310 यहाँ रखा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, ये आ गया। तो देखें अब क्या हुआ, अभी भी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी नहीं पूरा हुआ, अभी तो 160 हुआ है। अब 10 कितना लेना है, यहां से लेना है तीसरे लॉट से, सबसे पुराने में से 10 लिया। ठीक है, तो 170 बन जाएगा ना, यहाँ से लिया 10, तो ये 10 लिया, और इसका रेट कितना है 300, तो 300, और फिर इसको मल्टीप्लाई किया, देखें ये आ गया। तो अब आप देखो, अब हमारे पास क्या बचा, देखें देखिए ये ले लिया मैंने, देखो पूरा हो गया ना 170। इस 15 तारीख में काम कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ठीक है, और अब यहाँ क्या बचेगा स्टॉक में, देखो 140 ये पूरा एग्जॉस्ट हो गया, 20 भी एग्जॉस्ट हो गया है अब, और ये 90 में से सिर्फ 10 इशू किया था, तो ये 80 आ गया, 80 इंटू 300, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अब इसे, क्या आ गया, बस क्लियर। जी सर, क्लियर हो गए। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? ठीक है, आप देखो
अब हमने क्या किया, ये हमारा इशू हो गया, तीन इशू किए, देखो 140 नया, फिर 20 और फिर 10, पूरे 170 हो गए। अब आगे चले, ठीक है, अब नेक्स्ट पे गए, 15 के बाद परचेज हो रही है, ठीक है, 15 के बाद परचेज हो रही है, देखिए देखिए नेक्स्ट है, 15 के बाद परचेज की डेट है, परचेज की जी डेट है क्या, ठीक है, 20 है, 20 तारीख यहाँ लिखी, यहाँ 20 तारीख, तो यहाँ लिखा इसको 20 लिख, यहाँ लिख दिया 20, यहाँ पर इसी के नीचे 20 तारीख, ठीक है, ये 20th। अब परचेज कितना कर रहे हैं, परचेज की एक एंट्री आएगी 170, 170 परचेज किया, 170, ठीक है, किस रेट से परचेज किया देखना है, देखो परचेज किया है 170, परचेज कर रहे हैं 170, 170, और इसका रेट कितना ले रहे हैं, 170 परचेज कितने में किया है, 318 318, ये ले लिया, और इससे मल्टीप्लाई करोगे अब, ठीक है, तो ये मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका पास आ गया 54, ठीक है। और अब यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारा चेंज हो गया, स्टॉक क्या हुआ, ये पुराना स्टॉक पहले लिखा, ठीक है, देखो पुराना स्टॉक लाए यहाँ पर इस रो में, यहाँ नहीं लिखोगे, ये इसकी रो में लिखोगे, ठीक है, ये लिखा, और अब नया स्टॉक है 170, इसके नीचे लिखा 170, ठीक है, और जिसका रेट है 318, 318, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसी तरह इन दोनों को आपस में, तो ये आ गया, ठीक है। अब चूंकि ये दो स्टॉक है इसलिए फिर टोटल इनका करोगे यहाँ पर, ठीक है, ये चूंकि वन दो स्टॉक आ रहे हैं ना, इसलिए इसको यहाँ ब्रैकेट लगाया, ठीक है, और इसका टोटल लिख दिया यहाँ पर, कितना है टोटल, 24, 24 प्लस 54, 060 इजिकल टू 78, देखो 78, 78, 060, 78, 78, 78 और 0, 060, इन दोनों का सम लिख दिया जाता, ठीक है, ये दोनों का सम, ठीक है, ठीक है। अब लास्ट देखो, अब लास्ट इशू हो रही है, लास्ट सेल आ रही है 24 तारीख, तो 24 तारीख लिखी, कहाँ लिखोगे 24 तारीख, इसके इसके नीचे, इस रो में नहीं लिखना है, इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है, 24 तारीख, ये 24 तारीख डाल दी, 24 तारीख, ये देखो 24, राइट, और अब देखना है इशू कर रहे हैं, इशू क्या कर रहे हैं, 185, लास्ट इन फर्स्ट आउट, याद रखो लास्ट इन फर्स्ट आउट, क्या तो सबसे इसमें पहले 170 आएगा इसमें, 170, बिल्कुल ठीक है, सब समझ रहे हो, 170 लास्ट इन, 318 ये पूरा स्टॉक एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, 54, 060, ठीक है, कितना बच गया, 15 15, अब 15 दूसरे से लिया, इसके नेक्स्ट जो है वो 15, और उसका रेट कितना है सर, उसका 300, 300, हाँ, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 15 से, तो कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 170 सारा खत्म हो गया, सिर्फ 80 में से कितना बच गया, 65, 65, और इसका रेट है 300, 300, और क्या अमाउंट आ गया, यह अमाउंट आ गया, ठीक है। तो अब देखो स्टॉक हमारा क्या आ गया, ठीक है, अब हमने क्या किया, जमा कर लिया, ठीक है, सारे अब हो गए ट्रांजेक्शन सारे, तो परचेज के कॉलम को जमा किया तो कितना आ गया, 144,520, ये तो वही आएगा, और ये कितना आया देखो, इस सबको जमा कर लिया यहाँ से, 201, ए क्या कह रहे हो सर, ये सेल में एक रकम गलत है सर, ये 15 को 300 से मल्टीप्लाई करें तो सर ये 4500 नहीं आएगा, नहीं आएगी, 185 की सेल हो रही है, 185 की है, 185 की, तो ये देखो ये स्टॉक है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो देखो 170 ले लिया यहाँ से पूरा, 170 ले सकते हैं,
उसका रेट है 370, बाकी कितना बचा? 15 बचा है, 81-85 को कवर करने के लिए सिर्फ 15 की क्वांटिटी बची ना, तो ये 15 की क्वांटिटी कहाँ से ले रहे हैं? इसके बाद पहले वाले की उसका रेट है 300, इससे मल्टीप्लाई किया 15 इंटू कितना आ गया, ये अमाउंट गलत आ रहा है सर, अमाउंट गलत आ रहा है टोटल इंटू जी सर, यहाँ पर 300 4,500 आ रहा है, सिर्फ 4,500, ठीक है बस, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या बचा, 170 तो एग्जॉस्ट हो गया, इसमें से सिर्फ 65 बचा, 65 का रेट है 300, तो ये 300 और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 65 और इंटू 300 कितना हुआ, 65 इंटू 300 इजिकल टू 19,000 है, ये स्टॉक बचा और इसको सबको जमा कर लिया, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या आई ये सारी प्लस कर ली 152,000। तो स्टॉक हमारे पास क्या बचा, ये वाला स्टॉक क्लोजिंग पे भी यही बचेगा 65, देखो यहाँ 65 और 300 एक ही क्वांटिटी और अमाउंट है 19,000 से, तो ठीक है ये हमारा बैलेंस जैसे यहाँ लिखा था ना आपने फीफो में 31 मई एंडिंग बैलेंस, ठीक है ये एंडिंग बैलेंस ये आ गया आपका, यहाँ पर एंडिंग बैलेंस है और ये हमारे पास ये 19,000 था, 19,000 आया, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपकी पहले क्या थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फीफो में को 150 आ रही थी, हमारी अब बढ़ गई, बताओ ये क्यों बढ़ गई, अब इसका लॉजिक भी होना चाहिए, बताओ कौन बताएगा व्हाई इट इज हायर देन द लीफो फीफो, क्यों ज्यादा हुआ बताओ, है भाई रेट लास्ट सेल और लास्ट रेट ले रहे हैं ना, है करंट रेट ले रहे हैं, तो करंट रेट अगर प्राइस बढ़ रही है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हायर होगी लीफो में, है ये आपका सवाल जो एमसीक्यूज में भी आ सकता है, देखो इफ प्राइसिंग आर इंक्रीजिंग देन लीफो मेथड में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी हायर, है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड विल बी हायर और एंडिंग इन्वेंट्री विल बी लोअर, देखो एंडिंग इन्वेंट्री पहले क्या आ रही थी फीफो में 20,670 और अब आ गई देखो कम हो गई 19,000 हो गई, क्यों हो गई, ठीक है क्योंकि हमारा नया माल बेच रहे हैं तो हमारे पास पुराना माल बच रहा है, पुराने माल का रेट कम था इसलिए वैल्यू कम हो गई, ठीक है इसका रीजन भी होना चाहिए आपके पास, ठीक है क्लियर भाई, लीफो क्लियर हो गया, ठीक है अब आ जाओ इसका पार्ट बी, पार्ट बी क्या है वो भी वो करना है हमने, ठीक है इसमें भी के ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ रहा है, देखो सेल तो वही रही है, सेल की वैल्यू तो वही है, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, सेल क्या थी ये निकाल चुके हम, ये देखें सेल में तो कोई चेंज नहीं आया है, उसी रेट पे हम सेल कर रहे हैं ना, ठीक है सेल में तो कोई फर्क नहीं है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में फर्क है, तो सेल तो हमारी वही है, देखें सेल में तो कोई फर्क नहीं है 162, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वो चेंज हो गई लेस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इजिकल टू ये फिगर यहां से ली, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये है आपकी देखो 152,060 152,020 यहां से लिए देखो ये फिगर आ रही 152,060, अब इसमें से लेस किया तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आपका कम होगा ज्यादा होगा बताओ है वो तो बोलो, अंडर अंडर लीफो मेथड
कॉस्ट ऑफ गुड, जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हो रही है तो ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, सीधी बात है. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इफ इंक्रीजिंग तो ग्रॉस प्रॉफिट विल रिड्यूस, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट विल रिड्यूस. देखो ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिड्यूस हो गया ग्रॉस प्रॉफिट. देखो यहाँ पर कितना ग्रॉस प्रॉफिट था, देखो 11,000 का, यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 10,000 हो गया. क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंक्रीज हुई है लिफो की वजह से. ठीक है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रिड्यूस हो गया. ठीक है, ये आंसर आ गया दोनों, ये तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल लिया और ये अब एवरेज लेते हैं. ठीक है, नाउ कम टू द एवरेज मेथड. ठीक है, फीफो लिफो बिल्कुल क्लियर हो गया ना? जी सर. हाँ भाई, सब सब स्टूडेंट को क्लियर? बोले ठीक है. और एंट्री अगर पूछे तो एंट्री क्या करोगे? सेल की तो एंट्री वही हुई है. अगर आपको एंट्री भी, जनरल एंट्री भी पूछी जाएगी मंथ एंड पे, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट वही जितनी सेल हो रही है 162,750, और अकाउंट सेल क्रेडिट, और दूसरी एंट्री हुई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट इस अमाउंट से. ठीक है, और इन्वेंट्री क्रेडिट 152,020. ठीक है, ठीक है, समझ गए? यहां तक को क्लियर हो गया? जी सर. ठीक है, एवरेज मेथड. अब आ जाओ एवरेज मेथड पे. मेथड है यानी कि मूविंग एवरेज. देखिए एवरेज मेथड, देखो पार्ट सी वन का ईस्टर्न डिपार्टमेंट स्टोर. ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे एवरेज मेथड इन्वेंट्री लेजर. ठीक है, एवरेज मेथड यहाँ लिखा जाएगा एवरेज. एवरेज ये देखिए. ठीक है, और मंथ मैं, और यहां पर एवरेज भी लिख दिया. इन्वेंट्री लेजर देखो ओपनिंग स्टॉक है. देखो क्वेश्चन में देखो ओपनिंग स्टॉक है कितना है. ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट को 90, ये देखो 90,300 और ये मल्टीप्लाई. अब देखो परचेज कर रहे हैं. देखो अब यहाँ पर देखो इस सिस्टम को समझो. 4 तारीख को परचेज हो रही है, 4 तारीख को परचेज हुई है. देखो 150,310 रेट है और अमाउंट हो गया इस. अब देखो यहाँ पर मर्ज कर देंगे. ये देखिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं, हर डेट में क्या किया, 90 प्लस 150 कितना हो गया 90. देखो मर्ज कर रहे हैं, यहां पर पिछला स्टॉक था 90 में 150 जमा किया, कितना हो गया 240. समझ गए 240 कैसे आया. यहां पर हम प्लस कर देंगे लास्ट स्टॉक प्लस करंट स्टॉक परचेज, और फिर वैल्यू को वैल्यू में प्लस करोगे. अभी रेट नहीं निकाल रहे हो, वैल्यू की थी 27,000, 27,000 और प्लस करंट परचेज 46,500, तो कितना आ गया देखो 73,500. अब डिवाइड करोगे टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, टू डिजिट्स में राउंड ऑफ कर दोगे 73,500 डिवाइडेड बाय 240, देखो 306.25 डेसिमल लोगे दो. ये देखिए रेट के अंदर देखो आगे. क्लियर? जी सर. ठीक है, आप देखो ये हमने दे हर परचेज. अब देखो नेक्स्ट डेट आ रही है सेल की. अब सेल की क्वांटिटी 160 पूरी उठाएंगे. अब यहाँ नहीं देखेंगे कि कितनी उठा सकते हैं. हमारे पास तो अभी स्टॉक 240 का पड़ा हुआ है ना, अभी मर्ज कर दिया है, मिक्स कर दिया, डायरेक्ट 160 ले लिया. यहाँ पर
और रेट है देखो 160 जो सेल, और रेट कहां से पिक किया, डायरेक्ट यहां से पिक किया, मूविंग एवरेज लास्ट रेट है, इसीलिए तो कहते हैं मूविंग एवरेज। ये देखो ये रेट कहां से आ रहा है, 306 यहां से आया 306, ठीक है क्लियर, ठीक है ये 306 मूविंग एवरेज ये थी, और इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, है 160 को 306.25 से मल्टीप्लाई करो और जीरो डेसिमल में राउंड ऑफ करो, यहाँ डेसिमल में दो टोटल वैल्यू दो, देखो 160 अगर डेसिमल आ रहा है राउंड ऑफ कर दो 306.25 कितना आ गया 49 एग्जैक्ट आ गया 49। अब देखो ये देखो 80 कैसे आया बताओ, सोचो जरा 80 की क्वांटिटी कैसे आई, ठीक है 160 तो गिवन है ना क्वेश्चन में, गिवन है पे तो 130 गिवन, तो आप 130 है तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो, 130 आएगा ठीक है 130 सॉरी 130 ठीक है 130 आएगा यहाँ पर, एक मिनट कहाँ से आ जाता है ये, देखे सेल कितनी हो रही है 130 है, रेट कहाँ से लिया ये 306, इसको 130 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 130 इंटू 306 इंटू 306.25 हाँ थर्ड देखो मल्टीप्लाई करो 130 मल्टीप्लाई बाय 306.25 ठीक है कितना आ गया 39813, इसको 39813 है जीरो डेसिमल में राउंड ऑफ करोगे प्रॉपर, और यहाँ देखो 80 कैसे आया 240 में से 130 निकालो तो आ रहा है 180, 240 माइनस 130 110 कितना हो गया 110 है, ये हम 110 लिखा है 110 ठीक है, अभी देखो 110 ठीक है, अब क्या करोगे 110 आ गया, अब वैल्यू में से वैल्यू को माइनस करो, लास्ट वैल्यू थी कितनी थी वैल्यू, लास्ट वैल्यू 73,500 73,500 माइनस माइनस इशू की वैल्यू आ रही है 339 माइनस देखो लास्ट वैल्यू थी 73,300 माइनस 39,813 कितना बच गया 33,000 यहाँ पर लिखा, देखो यहाँ लिखा 33,000 ठीक है समझ गए, नहीं आई समझ, समझ गए क्लियर हो गया, अब सेल कर रहे हैं ना तो माइनस yes, होगी ना वैल्यू, लास्ट वैल्यू में से वैल्यू माइनस की, क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस की तो ये आ गई ठीक है, और अब क्वांटिटी को वैल्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो तो यही रेट आ जाएगा ठीक है, कितना आया 33,687 डिवाइडेड बाई 110 तो ये आ गया भाई 306.2 306 कितना आया 33,687 डिवाइडेड बाई 110 ठीक है 110 कितना रेट आया 306.25 306.25 ये देखो ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर हो गया, अब देखो नेक्स्ट परचेज आ रही है 10th को परचेज, नेक्स्ट डेट क्या है 9th के बाद, इशू के बाद आ रही है 9th के बाद 10th की परचेज की, देखो ये 10th लिखा कितनी परचेज हो रही है 140 इसका रेट है 314 इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको 140 ज़रब 314 चेक कर लो 140 × 314 कितना हो गया 43 ठीक है, अब देखो वैल्यू क्वांटिटी क्वांटिटी में ऐड हो गई 110 + 140 कितना हो गया 110 110 110 140 कितना बन गया 250 है ना, यहाँ पर आ गया 250 सही है, और वैल्यू में वैल्यू ऐड करो
पहले की वैल्यू कितनी थी? पहले वैल्यू थी 33,687, 33,687 प्लस, तो देखो 33,687 और ये प्लस हो गया 43, प्लस 43, 43,960, देखो 77 कितना आ गया यहाँ पर, देखे 77,67,647, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दिया 250 से, 250 से डिवाइड कर दोगे ना, 77 को 647 से डिवाइड किया 250 से, तो क्या रेट आ गया 310, देखो यहाँ लिखा 310.59, ये देखो अब क्लियर हो गया, ये स्टेप क्लियर हुआ, ठीक है सब स्टूडेंट को भाई क्लियर है, बोलो जी सर। ठीक है अब नेक्स्ट देखो, सेल की डेट है 15 तारीख, सेल की आ रही है ना 15, देखो 15 तारीख की सेल है 170, 100 देखो 170 ये लिया, और इसका रेट कहाँ से लिया, ये रेट कहाँ से पिक कर रहे हैं, ये रेट ले रहे हैं यहाँ से 310 पॉइंट, यहाँ लिखा 310, देखो ये रेट ले रहे हैं 310.159, ये देखो ये रेट कहाँ से लिया, ये तो लास्ट मूविंग रेट था, ये लिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 170 को, 170 मल्टीप्लाई बाई 310.59 आ गया 52,800, ये देखो 52,800 जीरो डेसिमल अराउंड। अब देखो क्वांटिटी में से 250 में से 170 माइनस किया, ये देखो 250 माइनस 170 क्या आएगा, 250 माइनस 170 कितनी क्वांटिटी बची, 80 या 80 लिखा 80, ठीक है। अब वैल्यू में से वैल्यू माइनस करो, पिछली वैल्यू थी 77,647 माइनस 52,800 कितना हो गया 72, देखो यहाँ पर क्या बचा 72,447, देखो क्लियर हुआ ये नहीं, ये नहीं आएगा 77, देखो 77,647 माइनस 52,800, 52,800 तो वैल्यू बची 25,000, कितना बचा 25,147 किया है, ठीक है क्लियर, देखो यही आ रहा है ये सर, ठीक है देखो ये रेट सही आ रहा है 47,77,647 डिवाइडेड बाई 250, 310, देखो ये रेट कैसे आया, देखो इसको चेक कर लो 77 में से 52 को माइनस करो, ये आता है देखो 25,000 आ रहा है, 77,647 माइनस 52,800 24,847 आ रहा है, ये देखो फिर से देखो चेक करो 77,647 माइनस 22,800, तो क्या आया देखो 24,847, 24,847, ठीक है ये आ गया। अब इसको डिवाइड किया, देखो यही ये रेट कैसे निकाल रहे हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे, देखो भाई रिपीट होना चाहिए था ना, एक डेसिमल का कोई फर्क पड़ सकता था, ज्यादा पड़ा तो मुझे डाउट हो गया, ठीक है ये देखो। अब हमने नेक्स्ट डेट आ रही है सेल की, देखो नेक्स्ट डेट है सेल की, सॉरी परचेज की डेट आ रही है 20 तारीख है, वो एंट्री की कितनी आ रही है 170, उसका रेट है कितना, रेट है 312, 318, ये मल्टीप्लाई कर दिया इसको 170 into 318 ये हो गया 54,000। अब देखो क्वांटिटी में क्वांटिटी जमा की, 80 जमा 170 कितना हो गया 80, ये देखो 80 जमा 170 ठीक है 250, ठीक है ये देखो 250 राइट 250 हो गया, ये देखिए 80 और प्लस 170 है। अब वैल्यू को वैल्यू में जमा किया, ये वैल्यू थी और अब वैल्यू ये है, कितना हो गया यहाँ पर क्या आएगा 24,000
24,847 24,847 प्लस 54,060 कितना आ गया 78, ये आ गया 78,907. अब इसको डिवाइड कर दिया, रेट बढ़ेगा क्योंकि अब परचेज ज्यादा रेट पे लिए, इसको डिवाइड करोगे तो रेट जरूर बढ़ेगा. डिवाइडेड बाय 250 तो क्या आ गया 315.63, सही है, राउंड कर दिया इसको दो डिजिट्स में डेसिमल में. ठीक है, ये आ गया, यहाँ तक भी क्लियर हो गया, यहाँ तक सबको क्लियर बोलो. यस सर. ठीक है, आप इशू है पर सेल हो रही है 24 तारीख में, सेल हो रही है, कितनी हो रही है सेल 185, वो सेल कितनी कर रहे हैं 185. ठीक है 185, ये देखो 185. अगर रेट कहाँ से उठाओगे, ये ला मूविंग एवरेज लास्ट रेट 315 है, ये 315 यहाँ लिखा 315.63. अब इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसको, कितना आएगा 185 × 315.63, दिस कम्स 58,391. 58,392, राउंड ऑफ कर दिया जीरो डेसिमल. ठीक है, अब क्वांटिटी 250 में से 185 माइनस करो, 250 माइनस 185 कितना बचा 65. देखो ये 65 बचा यहाँ पर, 65 बटा क्लोजिंग. ठीक है, वे क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस कर दी तो ये 65. अब वैल्यू में से वैल्यू माइनस करो, 78,907 माइनस 58,392 तो ये हो गया 20,000, यहाँ पर जा 20,000, देख लो चेक कर लो. देखो 78 में से 78,907 माइनस 58,352. जी सर ठीक है, 78,907 माइनस 58,392. ठीक है 20,000, और इसको डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो ये आपके पास एक डेसिमल का फर्क पड़ सकता है यहाँ पर. ठीक है, ये आगे डिवाइड किया, ये आ गया. तो अब देखो सवाल हल हो गया, देखो इसको जमा किया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड. ठीक है, कितना आ रहा है 151, तो देख लो चेक कर लो आप लोग. ठीक है, और इसको भी जमा कर लिया इसी तरह, देखें टोटल हो गया इसका, टोटल इन तीनों को जमा किया, परचेज आ गई हमारी. ठीक है, और फिर अब क्लोजिंग स्टॉक तो यही जो एंड में आ रहा है वही क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसी को ही क्वांटिटी जो बची है 20,000, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है. ठीक है, लास्ट में जो बचेगा. ठीक है, ये चाहे यहाँ पर टोटल में लिख दो इसको. ठीक है, ये समझो यूँ लिख दो इसको कि आपने, और यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, चाहे इसको 20,515 स्टॉक बचा, और इसको ये क्लोजिंग हुई, ये इसको मैं ब्लू में कर देता हूँ ताकि क्लोजिंग स्टॉक ये हमारा, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये है, और ये आप. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर इसको ये भी कर सकते हो कॉपी. ठीक है, सर नमाज की ब्रेक कर लें. बस अभी कर रहे हैं, अब नमाज की ब्रेक होगा. ठीक है, देखो ये अब सिर्फ ये मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि देखें हमारा क्लोजिंग स्टॉक परचेज हुई, क्लोजिंग स्टॉक ये. ठीक है, देखो क्लोजिंग स्टॉक आप देखोगे पिछली फीफो लीफो के मुकाबले में ये एवरेज होगा. ठीक है, मतलब देखो लीफो आपने, और ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है ये मिड वैल्यू होगी, दोनों के दरमियान होगी फीफो लीफो. ठीक है, बस सिर्फ ये एंट्री कर लो कि आप वो जो हमने ग्रॉस प्रॉफिट, देखो सेल तो वही होगी. ठीक है, ये देखो सेल तो वही आपके पास आ गई. ठीक है, देखिए यहाँ पर फिर नमाज का ब्रेक कर रहे हैं. देखो सेल तो वही हुई है लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चेंज हो गई, 151 151005 दिया,
और फिर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका। ठीक है, ये आपने सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दोनों के सेंटर की वैल्यू होगी। ठीक है, बताओ एवरेज भी समझ गए सब लोग? ठीक है, तो एनी क्वेश्चन भाई, सबको क्लियर हो गया? तो अब हम ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक के बाद क्विज होगा आपका, है? ये हमने यानी के पीरियोडिक मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आप आई होप कि आप सबको परपीचुअल मेथड समझ आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास, आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ और टाइम मिला तो डिस्कस कर लेंगे। देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट इन दोनों की मिड वैल्यू होगी। देखो फीफो में ग्रॉस प्रॉफिट 11,000 आ रहा था, लीफो में आपका 10,000 आया, और यहाँ पर देखो तकरीबन दोनों के दरमियान में आ रही वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एवरेज है ना, ग्रॉस प्रॉफिट भी एवरेज होगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी एवरेज होगी। ठीक है, दोनों के दरमियान की वैल्यू होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, और दूसरा इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन आप लोग ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद देखो होमवर्क लिखा हुआ है, वो जो मैंने व्हाट्सएप किया, ये आप लोग ने खुद करना है, ये आपके लिए होमवर्क दे दिया। ये इसी तरह का सवाल है फीफो लीफो एवरेज से। ठीक है, होमवर्क है। तो अब हम ब्रेक कर रहे हैं, देखिए टाइम क्या है इस वक्त, क्या टाइम है? 5:20 है। ठीक है, इस टाइम हम रीज्वाइन करेंगे, 12 मिनट का ब्रेक दे रहा हूं मैं, 5:32 पर, 5:32। ठीक है, 12 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं आपको। ओके, ऑफलाइन होने की जरूरत नहीं है, जिसको नमाज पढ़नी जाके नमाज पढ़े, जल्दी से आ जाए वापस। 5:00 आज इस वक्त 20 हो रहा है, 5:32 पे हम रीज्वाइन कर। यस सर, आ रही है सर। ये हम शेयर कर रहे हैं आपको, एवरेज मेथड भी सब समझ गए ना? कोई शेयर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। देखिए क्विज नंबर 3 है, अब इसको सॉल्व करते हैं। क्विज नंबर 3 राइट, देखिए क्विज नंबर 3 है, और नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट। इसको हम नाउ वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक सब? हाँ, मेरी क्लास हो रही, मैं अम्मी को दे रहा हूँ, एक मिनट, तो एक सेकेंड यार। हाँ यार, सॉरी फोन आ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर, क्विज नंबर 3, ठीक है, फर्स्ट पार्ट, वी परचेज स्टॉक फॉर 90,000 एंड वाज सोल्ड फॉर 95,000, द कैपिटल अकाउंट विल इंक्रीज बाय 95,000, नो इफेक्ट, इंक्रीज बाय 5,000, डिक्रीज बाय 5,000, विच वन इज करेक्ट? सर सी, सी इंक्रीज बाय 5,000 सही है।
देखो कैपिटल उसी वक्त इफेक्ट करता है अगर हम किसी चीज को प्रॉफिट पे बेचे या इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, कंपनी इन्वेस्ट कर रही हो, ठीक है, तो फिर कैपिटल इंक्रीज होगा। अगर कैपिटल कंपनी जो है ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, ओनर का इन्वेस्टमेंट आएगा तो कैपिटल बढ़ेगा, या प्रॉफिट होगा तो कैपिटल इंक्रीज होगा। एक चीज थी 90,000 की, बेचा 95,000 का, तो 5,000 का प्रॉफिट हुआ, इसलिए सी सही है, इंक्रीज बाय 5,000, ठीक है, सी पार्ट आपका सही होगा, ठीक है। तो सी पार्ट हमने इसको करेक्ट कर दिया, ठीक है, तो सी पार्ट आंसर आ गया, ठीक है, आगे चलो। सेकंड, देखिए, ए डेबिट बैलेंस इज इन कैपिटल अकाउंट इंडिकेट दैट द फर्म इज ओवर ट्रेडिंग, इनसॉल्वेंट, डेप्रिशिएटिंग, इन्वेस्टिंग, क्या आंसर सही है? ओवर ट्रेडिंग है, कौन सा? इनसॉल्वेंट आई थिंक। और बताओ, दूसरे स्टूडेंट भी बताएं भाई, कौन सा करेक्ट है? ए आएगा सर, सी ऑप्शन है। कौन सा सर? ओवर ट्रेडिंग। देखो इनसॉल्वेंट सर, ओवर ट्रेडिंग, इनसॉल्वेंट का मतलब होता है, देखो अगर कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, कब होगा डेबिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस जब होगा, डी होगा मेरा ख्याल है सर, इन्वेस्टिंग। लायबिलिटीज आपकी ज्यादा है, एसेट से ज्यादा लायबिलिटी है, इक्वेशन क्या है देखो, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसका मतलब हुआ कि कैपिटल जो है लायबिलिटी हायर देन द एसेट्स, तो आपका जो है वो कैपिटल आपका डेफिसिट, यानी कि पॉजिटिव तब होगा, यानी कि कैपिटल का बैलेंस तो क्रेडिट होता है ना, डेबिट बैलेंस हुआ हो गया, मतलब हो गया कि कंपनी इनसॉल्वेंट हो गई, ठीक है, यानी अनेबल टू पे, अनेबल टू पे, इनसॉल्वेंट हो गई, कैपिटल डेबिट बैलेंस का मतलब कंपनी इनसॉल्वेंट हो गई, ठीक है, तो बी सही है आपका, पार्ट बी सही होगा, जब अगर ऐसी सिचुएशन आएगी कि कंपनी का जो है ना, ऐसी सूरत में कंपनी बंद हो जाती है, जैसे फारूक टेक्सटाइल क्यों बंद हो गई, कैपिटल डेबिट बैलेंस हो गया था, ठीक है, तो देखिए ये इंसॉल्वेंट हो गई, ठीक है, इसलिए बी सही है। नंबर थ्री, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, बताओ करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है, देखो क्या है, प्रॉफिट डज नॉट आल्टर कैपिटल अकाउंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, प्रॉफिट डज नॉट आल्टर द कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट रिड्यूसेस द कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट कैन ओनली कम फ्रॉम कैपिटल, कैन ओनली कम फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल अकाउंट, कौन सा सही हुआ? डी वाला सर, कैपिटल अकाउंट, कौन सा? डी सर, डी सर, डी ऑप्शन लास्ट वाला, हां सबसे लास्ट वाला सही है, देखो प्रॉफिट इंक्रीजेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये सही होगा, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर, जो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसमें डी सही है आपका, तो डी जो है, सी का जो है डी, अभी अभी थोड़ी वर्किंग भी आएगी, डी सही है, ठीक है, आगे करें। डी फोर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस, ये बताओ तुम्हारे, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस, अकाउंट्स पेबल ओपनिंग, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, डिस्काउंट रिसीव, गुड्स रिटर्न, अकाउंट्स पेबल क्लोजिंग, बताओ फिर क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ परचेजेस, अब बताओ जरा, कैलकुलेट करके बताओ मुझे कौन सा सही है, शाबाश सब लोग करो, क्या आंसर है सर? 289100, 289100, नहीं ये तो मुझे नहीं लगता, और कोई बताए सर? ऑप्शन सी बन रहा है सर, ऑप्शन सी चार्ली, देखो परचेज निकालनी है, टोटल ग्रॉस परचेज, टोटल परचेज यानी टोटल, देखो अकाउंट्स पेबल ओपनिंग है, इसका मतलब क्या हुआ,
ये तो ओपनिंग जो है ना ये तो पिछले साल का है, और अकाउंट्स पेबल क्लोजिंग ये इस साल की क्लोजिंग है, और गुड्स उसके बाद देखो कैश पेड टू क्रेडिटर्स है, कैश पेड टू क्रेडिटर्स यानी कि जो हमने जिनसे माल लिया उनको पे किया, ठीक है। तो अब देखो क्रेडिटर जब जो जो आपकी परचेज होगी ना, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, क्लोजिंग बैलेंस अकाउंट्स पेबल क्लोजिंग ये शो कर रहा है कि ये आपका इस साल का है, ठीक है, बच गया। और पिछले साल का जो ओपनिंग है उससे तो कोई ताल्लुक नहीं, पेमेंट में वो आ सकता है, है? पेमेंट में आ सकती है ओपनिंग, तो कैसे निकालेंगे, देखो परचेजेस, देखिए कैश पेड, देखो कैश पेड कितना अमाउंट है, कैश पेड 271,150 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल है, क्लोजिंग अकाउंट्स पेबल को प्लस करेंगे 68,900, और ओपनिंग को माइनस करोगे, क्यों, ओपनिंग का तो इससे ताल्लुक ही नहीं, इस साल ओपनिंग पहले से आ रही है, पिछले साल महीने से आ रही है ना ये, या पिछले साल से, इसको माइनस कर दिया, पेमेंट में ये आ सकती है ना, इसलिए इसमें से माइनस कर दिया इसको, कितनी है अकाउंट्स पेबल ओपनिंग 71,300। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, जो डिस्काउंट दिया आपने, देखो डिस्काउंट जो रिसीव हुआ है वो प्लस हो जाएगा, टोटल परचेज निकाल रहे हैं ना, डिस्काउंट रिसीव प्लस हो गया इसमें, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव प्लस हुआ 6,600, और जो गुड्स रिटर्न हुई वो भी प्लस हो जाएगी, गुड्स को परचेज किया रिटर्न कर दिया वो भी प्लस कर दिया 13,750, तो कितना आ गया 289,100। ये देखो सी पार्ट सही है, किसने बताया था सी पार्ट, किसी ने बताया था, आई समझिए, क्लियर हुई, जी सर। देखो ये फिर देखो जो ओपनिंग अकाउंट्स पेबल है वो पेमेंट में तो आएगा, ठीक है, इसलिए पेमेंट में से इसको माइनस कर दिया, क्योंकि ये तो पिछले महीने का है ना, पिछले है पिछले पीरियड का है, वो माइनस किया पेड में से, ओपनिंग बैलेंस माइनस किया, क्लोजिंग बैलेंस को प्लस किया, उसके बाद चूंकि डिस्काउंट रिसीव हुआ है जो परचेज हुई है उसी में से हुआ ना, उसको प्लस कर दिया वापस, और गुड्स रिटर्न को भी प्लस कर दिया, ये रिटर्न हो गई थी, तो आप आपके पास ग्रॉस परचेज आ जाएगी, टोटल परचेज, ठीक है 1,289,100, ठीक है, क्लियर। तो सी पार्ट इसका सही है, फोर है, फोर का सी, देखो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है, यही आना चाहिए सी पार्ट, ठीक है। आगे चले फिफ्थ में, अब ये रूल बताना है, ये रूल आपको पढ़ाए थे, बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, कंपनी डिसाइड टू चेंज फ्रॉम द वेट स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड और डेप्रिसिएशन टू द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डज दिस प्रपोजल कंट्रावेन, ठीक है, ये यानी कि ये कह रहा है कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है जो इसको कंट्रावेन कर रहा है, मतलब इसको समझो सपोर्ट नहीं कर रहा, ठीक है, ये बात कह रहा है वो गलत है, गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी हिस्टोरिकल एंड मेटीरियलिटी, कौन सा सिस्टम करेक्ट है, शुरू में पढ़ाए ये सारे, विच वन इज करेक्ट, कंट्रावेन किस डिसीजन को कंपनी ने स्ट्रेट लाइन डेफिशन मेथड से दूसरे मेथड में किया ना, कौन सा अजम्पशन मना कर रहा है ऐसा समझो, विच वन इज करेक्ट सर, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल कहता है एक दफा आपने एक सिस्टम अडॉप्ट कर लिया फिर उसको चेंज मत करो, ठीक है, तो ये कंसिस्टेंसी मना कर रहा है, तो विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डज दिस प्रपोजल कंट्रावेन, तो कंसिस्टेंसी यानी कि बी पार्ट है, इसका बी पार्ट सही है, बी पार्ट हुआ इसका कंसिस्टेंसी, ठीक है कंसिस्टेंसी। आप सिक्स पे आ जाओ, सिक्स क्या कह रहे हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है, फर्म इज वेस्टिंग इट्स मनी, सेकंड क्या है, हैविंग मोर रिसीट्स है, हैविंग मोर रिसीट्स द पेमेंट देन है, क्या है, हैविंग मोर रिसीट्स देन द पेमेंट्स, ए फर्म हैज बॉट
too much goods. A firm has paid more cash out of its bank account. ठीक है, ये दूसरा वाला है then payment. ठीक है, बताओ कौन सा सही है? डी आएगा सर, डी. डी देखो, एक फर्म वो ड्राफ्ट तभी होता है कि आपके पास पैसा था ना, एक बैंक कंपनी को एक फैसिलिटी भी देता है, है? वो ड्राफ्ट की एक लिमिट तक, कि उसने फर्म के पास पैसा था 1,00,000 रुपया उसके अकाउंट में, और उसने पेमेंट उसमें से करा दी. ए फर्म हैज पेड मोर कैश आउट ऑफ इट्स बैंक अकाउंट. बैंक अकाउंट जो है आप हम नहीं कर सकते, लेकिन कंपनी को ये फैसिलिटी होती है कि अगर ऐसी सूरत हो जाए तो कंपनी के पास 1,00,000 रुपए थे, उससे ज्यादा पेमेंट कर दी, बैंक भी अलाउ कर देगा, लेकिन आपका बैलेंस जो है डेबिट बैलेंस हो जाएगा, उसको कहेंगे ओवरड्राफ्ट. ठीक है, तो ये डी सही है, ये कंपनी को बैंक फैसिलिटी ये देता है. ठीक है, कि भाई आपका कोई मसला नहीं, ऐसी सूरत में आप फिर भी पेमेंट कर सकते हो. ठीक है, ये इंडिविजुअल को ये नहीं पावर होगी, इंडिविजुअल को ये फैसिलिटी नहीं होगी. ए फर्म हैज पेड हैव पेड मोर कैश आउट ऑफ इट्स बैंक अकाउंट देन इट्स देन इट हैज डिपॉजिटेड इन इट. जितना डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा पेमेंट कर दी, तो इसी को कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट. डेबिट बैलेंस है कंपनी, बैंक के पास जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है. ठीक है, उसके बाद डेबिट बैलेंस आ गया. ठीक है, यानी कि बैंक आपको पेमेंट करना बैंक को. ठीक है, तो ये हमारा कॉल आएगा 6 का पार्ट जो हो गया वो डी, बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, देखो ये इसकी क्या इसकी वर्डिंग हुई. ए फर्म हैव पेड मोर कैश आउट ऑफ इट्स बैंक अकाउंट देन इट्स डिपॉजिटेड इन इट. ठीक है, तो डी पार्ट हमारा सही है, इसको कहेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया. ठीक है, इसका अकाउंट बैंक में ओवरड्राफ्ट हो गया. सेवन पे आ जाओ. देखो सेवन क्या है, डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर है टू द रिटेलर ऑन द इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश. बताओ ये एक चीज मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट अलाउड सर, डिस्काउंट अलाउड. एक सेकेंड मैं एक चीज आपको और, शायद ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये हम दे रहे हैं, ये देखिए टर्म्स अकाउंटिंग. ये मैं आपको शेयर करता हूं जल्दी से. ये देखिए शेयर हो रहा है जी सर, हो रहा है. देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या है, इसको समझ लो. व्हेन डिस्काउंट इज गिवन बाय द सप्लायर टू कस्टमर on a list price, then it refers to the trade discount. It is generally allowed a particular customer when he buys in bulk quantities. Thus, it is a reduction in the list price. Trade discount किसको कहते हैं? अगर किसी supplier को इस वजह से दिया जा रहा है कि तुम अगर bulk quantity में उठाओगे ना, तो तुम्हें फिर हमें हम list price में discount कर देंगे. इसको कहेंगे trade discount. और cash discount क्या? कैश डिस्काउंट इज गिवन बाय द सप्लायर टू द कस्टमर ऑन इट्स अर्लियर कैश पेमेंट ऑन टाइम टू रिकवर द कैश डेट. ये इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि आप अगर जल्दी पेमेंट करोगे ना, जैसे 10 दिन में पेमेंट करनी थी, आपने 8 दिन में पेमेंट कर ली, तो उसको कहते हैं कैश डिस्काउंट. इट मोटिवेट द बायर टू पे कैश अर्ली एज दे आर गिवन डिस्काउंट इफ दे पे विद इन द स्टिप्यूलेटेड टाइम. ठीक है, कैश डिस्काउंट किसको कहते हैं? अर्लियर पेमेंट को. और ट्रेड डिस्काउंट बल्क क्वांटिटी अगर परचेज किया. ठीक है, तो ये देखो क्विज पे आ जाओ आप.
देखिए ये क्या है, अब बताओ सेवेंथ में, अब आंसर बताओ सही क्या है। डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन द इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, कौन सा सही है? कैश डिस्काउंट जी बी, कैश डिस्काउंट है ना, तो समझ गए ना, अर्लियर पेमेंट के लिए होगा तो कैश डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं होगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये नहीं, सिर्फ ये ट्रेड डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट अलाउड बाय द होलसेलर टू द रिटेलर ऑन इमीडिएट पेमेंट ऑफ कैश, तो क्या होगा बी कैश डिस्काउंट। ठीक है, अर्ली पेमेंट करोगे तो हम आपको कैश डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया सेवंथ, क्या हो गया बी। ठीक है, अब बताओ नेक्स्ट, देखो अब ये कैलकुलेशन है, 25 आइटम्स वर परचेज। ठीक है, 25 आइटम्स वर परचेज, जल्दी जल्दी 10 मिनट रह गए, 25 आइटम्स वर परचेज बाय द बायर एट ए नेट प्राइस ऑफ 190 ईच। ठीक है, क्या कह रहा है, 25 आइटम परचेज किए गए बाय द बायर एट ए नेट प्राइस ऑफ 150, 5% ट्रेड डिस्काउंट वाज गिवन टू हिम, 5% डिस्काउंट इसको जो ट्रेड डिस्काउंट इसको दिया गया है, ये इसका मतलब 190 की जो प्राइस है ना, ये नेट कह रहा है ना इसलिए। तो आप और आगे देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द ट्रेड डिस्काउंट ही रिसीव, अब बताओ क्या रिसीव किया उसने, डी सर डी सी जी 233। अरे यार देखो 25 डी सर 237, एक सेकंड, ये जो 190 है ना ये नेट प्राइस है और इसमें डिस्काउंट कितना मिला हुआ है सर, 5% डिस्काउंट है, इसका मतलब इसकी 100% जो जिस ये प्राइस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 95% रिप्रेजेंट कर रही है दूसरे लफ्जों में। ठीक है, समझ आई, डिस्काउंट इसमें से निकला हुआ है, 190 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 95% को, 5% माइनस हुआ हुआ है। 100% प्राइस लाने के लिए क्या करोगे, कैसे लाएंगे, डिस्काउंट से पहले क्या प्राइस थी, फिर कैसे आएगा बताओ, यानी कि जो उसकी असली प्राइस क्या थी, ये तो नेट है ना, समझे, तो नेट कैसे लाओगे, 190 को डिवाइड कर दोगे 0.95 से, है क्योंकि ये ये जो 90 है ना ये 95% को रिप्रेजेंट कर रही है, क्या करेंगे 190 डिवाइडेड बाई 0.95, ये 100% प्राइस आ जाएगी, यानी कि ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी। देखो इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, 200 रुपए, 200 रुपए आ गया। अब हमें डिस्काउंट एक कितना मिल रहा है, 200 माइनस 190, 10 रुपए का मिल रहा है डिस्काउंट, तो 125 पे कितना मिलेगा, सॉरी 25 आइटम पे कितना मिला, देखो 200 में से 190 को माइनस किया तो 110 रुपए आ गया एक आइटम पे, और आइटम कितने परचेज किए थे, 25, जरा 25, तो 250, आई समझ, क्लियर हुआ, सी पार्ट सही हुआ। हाँ क्लियर, देखे हाँ बोलो कुछ, क्या बोल रहे हो सर, रिपीट कर दे भाई, रिपीट कर देते हैं, देखो 25 आइटम्स वर परचेज बाय द बायर एट ए नेट प्राइस ऑफ 190, है नेट का मतलब डिस्काउंट माइनस हो गया, इफ 5% ट्रेड डिस्काउंट वाज गिवन टू हिम, 25 खरीदे थे उसने बल्क पे समझो, 5% का डिस्काउंट दिया हुआ है, और एक प्राइस, एक आइटम की प्राइस देखो 24 आइटम परचेज एट ए नेट प्राइस ऑफ इतना ईच, यानी कि एक आइटम का 190 रुपए, ठीक है, 5% के बाद ये प्राइस आई, मतलब क्या हुआ 190 रिप्रेजेंट कर रहा है 95%, क्या करोगे 190 को 0.95 से डिवाइड करोगे, ओरिजिनल प्राइस आ जाएगी, आ गई 200 रुपए, तो डिस्काउंट कितना हुआ एक यूनिट पे, 200 माइनस 190, 10 रुपए आया, तो जरा 25, क्योंकि 25 आइटम है तो 250, सी पार्ट सही हो गया, क्लियर जी सर, क्लियर हो गया भाई,
ठीक है, हमेशा याद रखो जब वो डिस्काउंट हाफ प्राइस दी हुई है तो आप देखोगे कितना परसेंट, अगर यहाँ 10% होता ना, डिवाइड किससे करते 190 को 0.9 से डिवाइड कर देते तो हमारे पास ओरिजिनल प्राइस आ, ठीक है, उसमें से फिर नेट प्राइस वाले माइनस करते तो डिस्काउंट मिल जाता। अब कितने आइटम है उससे जरब दोगे तभी तो आएगा ना। तो ये देखो सी पार्ट हमारा करेक्ट हो गया, इसमें सी पार्ट फोर्थ दो पार्ट और रह गए तो करना है इसको, ठीक है। 10th 9th पे आ जाओ, लिस्ट प्राइस वाज 250, देखो इसमें सब भी लिस्ट प्राइस इज 250, मिस्टर ए परचेज 12 आइटम्स, मिस्टर ए परचेज 12 आइटम्स ये समझो, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% इज अलाउड टू हिम, ट्रेड डिस्काउंट इसको दिया गया, 250 की इसकी प्राइस थी, 12 आइटम उसने परचेज किया, इसको डिस्काउंट दिया गया, ट्रेड डिस्काउंट 20% है, ट्रेड डिस्काउंट को हमें बल्कि लिस्ट प्राइस पे होगा ना ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% डिस्काउंट दिया गया। कैश डिस्काउंट ऑफ 5% इज ऑफर्ड टू हिम, कैश डिस्काउंट भी ऑफर किया गया, ही पेड विद इन द क्रेडिट पीरियड, इसका मतलब इसको इसने कैश डिस्काउंट भी अवेल कर लिया, टोटल पेमेंट विल बी पेड बाय हिम, क्या होगा निकालो। निकालो अब इसको जल्दी से, ये क्या नाम है अली साहब, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ आपकी आवाज। मैं ये कह रहा था सिर्फ 3-4 मिनट शायद ऊपर हो जाए तो वो जरा बंद नहीं कीजिएगा, ठीक है, ताकि 10 पूरे हो। ओके सर, ओके। 9th पे आ जाए, देखिए स्टूडेंट ये देखो गौर से सुनो, तुम थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाओ अपना। देखो लिस्ट प्राइस बस 250, मिस्टर ए परचेज आइटम्स, ट्रेड डिस्काउंट 20% इज अलाउड टू हिम, इसका मतलब एक आइटम इसने कितने में लिया, देखो 250 एक आइटम की प्राइस थी, 20% डिस्काउंट मिला इसको, तो 250 में से 20% माइनस कर दो, ठीक है 50, इसका मतलब इसने जो क्या नाम है 50 रुपीज इसको इसने खरीदा कितने में, 250 की चीज 200 में खरीदी ना, है 50 रुपए का डिस्काउंट मिल गया ना इसको, 250 का आपने 20% लिया, इसने आइटम परचेस किया 200 रुपए में, समझ गए, तो 20% इसको डिस्काउंट मिला यहाँ पर, ठीक है। तो 250 का हमने अगर 20% लेते हैं तो 50 आया, तो 250 में से ये माइनस कर दिया, तो इसकी प्राइस इसकी नेट क्या हुई, 250 माइनस 50 200 हो गई, अब 200 में उसने खरीदा, लेकिन सर 280 आएगा इसका, 280 देखो 250 का 20% लिया, ठीक है कितना आ गया 50 आ गया ना, 250 का 20% लो 50, अब 250 में से 50 माइनस किया तो ये प्राइस हो गई ना इसकी, लिस्ट प्राइस जो में से कम हो गया, तो इसको जो प्राइस 200 में खरीदा ये, ठीक है 200 में खरीदा, उसके बाद इसको कैश डिस्काउंट 5% ऑफर किया जाता है, ठीक है, ही पेड विद इन दैट क्रेडिट पीरियड, उसने पे भी कर दिया, तो 200 पे मजीद, अब उसने 200 में खरीदा ना, 200 में खरीदा और 5% उसको और मिल गया डिस्काउंट 200 पे, अब 200 पे मिलेगा ना डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट भी मिल गया इसके ऊपर, तो 200 का जो है 200 पे आपने 5%, अब 200 है, 200 का 5% लिया, ठीक है तो कितना हो गया 10, तो 200 में से 190 आ गया, अब 190 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 12 से, तो 2250 2280 ये देखो ये प्राइस आई, अब बताओ 2280 क्लियर हुआ? जी सर, ठीक है इस तरह निकाला, ठीक है देखो दोनों की एप्लीकेशन हो गई, लिस्ट प्राइस थी 250 तो आपको ट्रेड डिस्काउंट मिला 20%, दूसरे लफ्जों में समझो आप यू भी निकाल सकते हो और आसानी कर दे, 250 का 80% ले लो तो नेट प्राइस आ जाएगी, 250 का 80% ले लो या 20% करके माइनस करो, 80% दिया तो 200 रुपए नेट प्राइस आ गई, अब इसके ऊपर उसको 5% डिस्काउंट मिल गया, कैश डिस्काउंट भी मिल गया उसने विद इन द क्रेडिट पीरियड, इसका मतलब ये अब पे करेगा कितना
5% डिस्काउंट मिला तो इस ये पे करेगा 95%, इसका 95% दे दिया, तो एक आइटम की प्राइस हुई नेट जो 250 का था, ये एक चीज खरीद रहा है 190 की, कितनी चीजें खरीदी 12 तो देखो 2280, ये आपका 2280। और दूसरा तरीके से भी मैंने इसको सॉल्व कर दिया, आखिरी पार्ट ले लो, लास्ट पार्ट, ठीक है लास्ट पार्ट देखिए, टोटल सेल 250,000, सेल्स रिटर्न्स 5%, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, देखिए कागज पेन कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो है, और कॉपी भी रखो अपने हाथ में तभी समझ आएगा। देखिए 250, देखिए 250 इसकी, बस सर दो मिनट सिर्फ है, देखो सेल थी 250, 2,50,000, सेल रिटर्न्स हो गया 5%, ठीक है तो नेट सेल कितनी हुई, अब हम तो हमें निकालना है व्हाट इज द नेट प्रॉफिट, देखो क्या चीज निकालनी है, तो सेल सेल्स रिटर्न्स 5% है, देखो 250 थी सेल और 5% इसमें से रिटर्न हो गया, इसका 5% ले लो, 250 का 5%, देखो वर्किंग कर रहे हैं, 5% लिया तो ये हो गया 12,500 है, इसमें से देखो ये सेल थी आपकी, सेल टोटल सेल थी और रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न्स ये देखें, सेल्स रिटर्न्स कितना है, सेल रिटर्न 5%, ठीक है 5% हमारा सेल रिटर्न है, ठीक है तो क्या होगी देखो आपकी, इसका 5% ले लो और माइनस कर दो, इसमें क्या है, है? KG1 का बच्चा कर लेगा, देखो इसका 5% लिया कितना आया, जल्दी से 250 का 5% ले, 250 का 5%, ठीक है 12,500 सर, 12,500 ये हमारी, ये माइनस करोगे तो अब इसमें से ये माइनस कर दिया, समझो ये माइनस लिख दिया या चाहे ब्रैकेट में लिख दो इसको, ठीक है ये हमारे पास अब नेट सेल आ गई, ठीक है देखो ये नेट सेल हो गई, ठीक है अब देखना आगे कितनी हो गई नेट सेल, यहाँ लिखा जैसे नेट, ये कैलकुलेटर पे आप करोगे नेट सेल, देखिए नेट सेल कितनी हो गई, 250 minus 12,500, दिस कम्स 237। आगे क्या कह रहा है देखो, आगे क्या कह रहा है इसमें, एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40% ऑफ नेट सेल है, ये जो नेट सेल आई है इसका 40% कॉस्ट, 40% इसका 40% ले लो जल्दी से, कितना आ गया 40%, ठीक है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 40%, 237 में से 237,500 इसका 40%, तो आप ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा ना, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 95,000 एग्जैक्ट, देखो 95,000 आया, 95,000, ठीक है और ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, इसमें से ये माइनस कर दिया, ठीक है चाहे इसको कितना हो गया, ये माइनस हो गया इसमें से, तो ये बच गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, देखो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है हमने तो कितना बच गया, ये 237 में से 237,500 माइनस 95,000, ठीक है देखो 142,500, ठीक है ग्रॉस प्रॉफिट। अब आगे क्या देखो, इनकम टैक्स, अच्छा ऑपरेटिंग एक्सपेंस 45% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आई है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये जो 95 आई ना, इसका 40% है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है एक्सपेंस 40, वो कितना है 40, कितना है 45% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये है ना 95,000, इसका 45 ले लिया, 45 इसका 45 जल्दी से लिया, 45 कितना हो गया 42,750, देखो 42,750 यहाँ आ गया 42, ये कैलकुलेटर में ये सब चीजें हो जाएगी, ठीक है 42,750 ये आपका पास आ गया, सब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसको माइनस किया, इसमें से माइनस किया तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है बिफोर टैक्स, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है कितना बच गया ये
142 में से ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट कितना 99,750। देखो 99,750। अब आ गए इनकम टैक्स, कह रहा इनकम टैक्स क्या, इनकम टैक्स रेट है 30%। जाहिर टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे लगता है ना, तो इनकम टैक्स 30% है। 30% कितना हो गया इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, इसका 30% ले लो तो कितना आ गया 29,925। इसमें से माइनस किया तो अब देखो नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, ठीक है, नेट प्रॉफिट अब जो आया नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू इसमें से माइनस करो, माइनस नेट प्रॉफिट 99,750 कितना आ गया 69,825। ठीक है, कौन सा पार्ट सही हुआ, क्या पार्ट सही हुआ भाई? फर्स्ट पार्ट सर, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हुआ ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यही एक सवाल था जो कि थोड़ा सा मुश्किल सा था, लेकिन मुश्किल नहीं है, ये कैलकुलेटर पे सारा काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपने देखा और हमने कह दिया सर, कल के और करंट लेक्चर के साथ जो है ना वो ये बेसिक टर्म भी सेंड कर दीजिएगा काइंडली। हाँ, ये मैं आज सारा कल का आज का सब सेंड कर दूंगा, इस पे चलो समझो ये भी मैं रिमूव नहीं करूंगा, ये वर्किंग इसकी ए वाले की, ये याद रखो ये ए वाले की वर्किंग, सॉरी 10 वाले की वर्किंग है ना ये, इसको भी मैं सेव कर लेता हूं। ये बेहतर है सर, थैंक यू सर, थैंक यू बंडलो, थैंक्स सर। सेंड हो जाएगा, क्विज 3 भी सेंड हो जाएगा, इन्वेंटरी का राइट अप भी, और क्वेश्चन नंबर कल का क्वेश्चन और आज का क्वेश्चन, ठीक है, ये सब सेंड कर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा सीआर सर, भाई आपने अभी बेसिक टर्म्स दिखाई थी हमें, वो भी काइंडली सेंड कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, जिसमें डिस्काउंट वगैरह का लिखा हुआ था। सीआर कहां है, बोलो भाई सीआर। जी सर हाँ, आपको मैं सेंड करूंगा, ठीक है, आप अपने ग्रुप में सेंड करोगी तो फिर मैं जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखना है रिमशा कि आप मुझे रिमाइंड भी करोगी मगरिब के बाद, ठीक है, मगरिब के बाद मुझे रिमाइंड कर देना कि भाई वो सेंड अगर मैंने नहीं किया, ठीक है, तो मैं फिर, ठीक है, मैं इनसे मुखातिब हूँ सीआर से। हमारी ये सीआर बहुत अच्छी है, बहुत काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रही है माशाल्लाह, आई अप्रिशिएट, इंशाल्लाह ये जरूर अच्छे नंबरों से पास होगी, ठीक है। आप लोग ने ये सब ने अपना एम बनाना है, याद रखो कि इस एग्जाम में सबको पास होना है, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को सबको पास होना है, लेकिन आपको बिल्कुल क्या नाम है सीरियस होना होगा, ये कोई मुश्किल नहीं है जो चीजें पढ़ा रहा हूँ, अगर ये सब सीख लोगे तो यू विल गेट थ्रू, कोई इशू डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। और आप इतना नॉलेज हो जाएगा कि आपको, आप जो है आप ए लेवल वाले बच्चों को भी पढ़ा सकते हो, उनकी अकाउंटिंग को, बी कॉम के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो अगर आप सीरियसली पढ़ रहे हो, ठीक है, और इंटर कॉमर्स के लड़कों बच्चों को पढ़ा सकते हो साथ साथ, ये भी है, ये भी याद रखो, ठीक है, आपने इसके पास नॉलेज आपके पास इतना आ जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया काइंडली, चले ओके, ठीक है सर, थैंक यू, सॉरी फॉर द लेट, ठीक है, आई एम सॉरी, आई डू सॉरी, अल्लाह हाफिज़।